नमस्ते बच्चों, आज हम संस्कृत में कक्षा 8 में इकाई 4 प्रेरणा दीपह चाणक्य पढ़ेंगे। इसका अर्थ है कि प्रेरणा का दीपक चाणक्य। बच्चों, तो चाणक्य कौन था? तो चंद्रगुप्त का मंत्री। ओके, तो पहली लाइन देखते हैं। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त बोलता है, आर्य चाणक्य शीतकाल अस्ति, ठंडी का समय है। शीत यानी ठंडी, काल यानी समय, अस्ति यानी है, ठंडी का समय है। जनेषु कम्बलान् वितरतु, लोगों में कम्बल बाँटो। वितरतु यानी बाँटो। चाणक्य बोलता है, महाराज इदानीम अहम कम्बलान् मम गृहं नयामि। अभी अहम यानी मैं, कम्बलान् यानी कम्बल, मम गृहं नयामि यानी मेरे घर ले जाता हूँ। महाराज, अभी मैं कम्बल अपने घर यानी कि मेरे घर ले जाता हूँ। नयामि यानी ले जाना। प्रभाते वितरिष्यामी, तो सुबह में बाँटूँगा। चंद्रगुप्त बोलते हैं, तथा करो तू भवान, तो ऐसा करिए। त्रयः चोरा प्रविशन्ति, तीन चोर प्रवेश करते हैं। प्रथमः, पहला चोर, चंद्रगुप्तस्य मंत्री चाणक्यः। चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य। एतत तस्य गृहम्, यह इसका घर है। द्वितीयः, दूसरा, अत्र तेल दीपः, तो यहाँ तेल का दिया। समीपे पीठम, पास में आसन। पुस्तकानि यानी पुस्तके, किताबे। तृतीयः यानी तीसरा, धनम कुत्र, धन कहाँ है, कुत्र यानी कहाँ। प्रथमः, अत्र तु नास्ति, यहाँ नहीं है। द्वितीयं प्रकोष्ठं प्रविशाम, तो यानी दूसरे रूम में प्रवेश करते हैं। द्वितीयः, आश्चर्यम्, दूसरा चोर बोलता है, आश्चर्य, शैत्यम अधिकम अस्ति, ठंडी ज्यादा है, अधिकम यानी ज्यादा है। तृतीयः, तीसरा बोलता है, कम्बला समीपे एव अस्ति, कम्बले पास में ही है। प्रथमः, तथापि एषः महाशयः, पहला, तो फिर भी यह महाशय। द्वितीयः, दूसरा चोर बोलता है, स्वयं कम्बलस्य उपयोगं न करोति, खुद कम्बल का उपयोग नहीं करते हैं। तृतीयः, पुनश्च अधः शयनं करोति, फिर भी नीचे सोए है। आश्चर्य। प्रथमः, पहला चोर, तहि चाणक्यं पुच्छामः, तो चाणक्य से पूछते हैं। ज्ञातव्यं तस्य रहस्यं, इसका रहस्य जानते हैं। द्वितीयः, दूसरा चोर बोलता है, एतत् अस्माकं साहसम्, यह हमारा साहस है। प्रथमः, पहला चोर बोलता है, आर्य, वयं चोरा स्मः, हम चोर हैं। चोर कार्य आगतः, चोरी के कार्य से आए हैं। महोदय आश्चर्यम् अस्ति, महाशय आश्चर्य है। द्वितीयः, दूसरा चोर बोलता है, शैत्यम अस्ति, ठंडी है। कम्बला समीपे सन्ति, कम्बल पास में है। तथापि भवान किमर्थम उपयोगम न करोति, तो फिर भी आप कम्बल का उपयोग क्यों नहीं करते हो। चाणक्य, एते कम्बला मम कृते न, चाणक्य बोलते हैं कि यह कम्बल मेरे लिए नहीं है। दरिद्र जनानाम कृते सन्ति, गरीब लोगों के लिए है। यत वस्तु अस्माकं नास्ति,
जो वस्तु अपनी नहीं है तस्य उपयोगम पापम, उसका उपयोग करना पाप है। सर्वे चोराहा, सभी चोर बोलते हैं अरे रे वयम तु प्रतिदिनम पापम कुर्मः, हम तो हर रोज पाप करते हैं। चोर कार्येण एव उदर पूर्ति कुर्मः, चोरी के कार्य से हम अपना पेट भरते हैं। वयम अद्य आरभ्य पापम न करिष्यामः, हम आज से लेकर पाप नहीं करेंगे। जयतु आर्यः, जय हो आर्य। तो यहाँ पे प्रेरणा दीप चाणक्य पूर्ण होता है। इसका स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना है। धन्यवाद। अस्तु।